हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट और हम चल रहे थे अपने क्लास टेंथ के सीबीएसई में बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स लास्ट वीडियो में हम क्लियर कर चुके थे कि वास्ट क्लियर वास्ट इज एस एंड हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल और आज हम इसका पार्ट टू पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं और आज के जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो टॉपिक हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एस टी HTML document creating, saving डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग सेविंग एंड and explanation of tag. Okay, डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ टैग ओके तो आगे चलने से पहले अगर प्लीज आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ओके okay, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ तो हमारा टॉपिक है टैप टू क्रिएट एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट यूजिंग नोट पैड नोट पैड के थ्रू हम कैसे एक एस टी एम एल डॉक्यूमेंट एस टी एम एल पेज एस टी एम एल से वेबसाइट बनाएंगे नंबर वन प्रेस विंडो प्लस विंडो की प्लस आर देखिए आपको नोट पैड ओपन करना है फाइनली आप चाहें इसके थ्रू कर लीजिए कि आपको विंडो प्लस आर के थ्रू करना है मैं आपको विंडो की के बारे में बता दूंगा विंडो की कीबोर्ड में कौन सी होती है ओके विंडो की की कीबोर्ड में ये वाली होती है आप इसको प्रेस करके रखेंगे और आर दबाएंगे ओके देन जो रन बॉक्स खुल जाएगा रन कमांड खुल जाएगी आप उसमें नोट पैड टाइप करेंगे मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए उसके बाद आफ्टर राइटिंग कोड सेविंग यूजिंग सॉरी सेव टू सेव डॉक्यूमेंट यूजिंग कंट्रोल प्लस एस जब आप उस डॉक्यूमेंट पर कोड लिख लेंगे नोट पैड के डॉक्यूमेंट पर तो उसको सेव करेंगे एंड सेव डॉक्यूमेंट विद एक्सटेंसन डॉट एस टी एम एल और उसको जो सेव करेंगे तो कोई नाम देंगे नाम के साथ डॉट एस टी एम एल लगाना नहीं भूलेंगे ध्यान रखेंगे डॉट एस टी एम एल लगाना नहीं भूलेंगे आफ्टर देन रन सेव फाइल इन एनी ब्राउजर और जो आपने फ़ाइल सेव किया है वो किसी ब्राउजर में आप रन कर लेंगे तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं विंडो प्लस आग दबाता हूँ और यहाँ पर मेरे क्या खुल गया रन कमांड खुल गई और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ नोट अगर आप पर विंडो कोई और है या किसी और तरीके से नोट खोलना जानते हो जैसे स्टार्ट मेनू से क्लिक करके तो आप वैसे भी कर सकते हो नोट इशू बस आपका नोट ओपन होना चाहिए और मैं ओके प्रेस कर देता हूँ देखिए आपका नोटपैड खुल गया है अब मैं क्या करता हूँ कि इसके थोड़ा तो फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ कि समझने में आसानी हो ओके देन अपन चलते हैं आगे की तरफ वहाँ सेटल करेंगे अभी अब वापस आके कोड वहीं पर लिखना है हमें चलिए तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एस टी एम एल डॉक्यूमेंट का इसको याद रख लीजिएगा जितनी भी कोडिंग करेंगे उसमें सेम स्ट्रक्चर यही होने वाला है है ना तो सबसे पहले आप एस टी एम एल लिखेंगे और एस टी एम एल लिखें एंगल ब्रैकेट में इनको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट ओके तो एस टी एम एल ये स्टार्टिंग टैग है ये टैग होते हैं है ना टैग के बारे में कल क्लियर ही बताया था और आज भी क्लियर करेंगे थोड़ा बहुत टैग स्टार्टिंग टैग और एंड एंडिंग टैग ध्यान रखिएगा ये बैक स्लेस के साथ ख़त्म होता है ध्यान है ना मेन पॉइंट कि स्टार्ट होता है तो ऐसे और एंड होता है तो ऐसे लेकिन जितने टैग स्टार्ट जितने नहीं होता तो टैग स्टार्ट होगा तो क्लोज करना ना भूलें ओके अगले स्टेप पर हेड लिखेंगे और हेड को भी क्लोज कर देंगे ठीक है क्यों लिखेंगे अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और हेड के अंदर कोई ना कोई टाइटल लिखेंगे टाइटल क्यों लिखा जाता है वो भी एक्सप्लेन करेंगे बस आप इस अभी फॉर्मेट को देख लीजिए कि कैसा होता है बॉडी और बॉडी क्लोज करेंगे उसके बाद हम उसके अंदर क्वेश्चन लिखेंगे ठीक है तो अभी हम चलते हैं कि वन बाय वन के टैग क्या थे कैसे यूज़ करेंगे नंबर एस टैग तो ये एस टैग आपका जब एस टी एम एल डॉक्यूमेंट बनाते हो तो ये कंपलसरी है कि टैग होगा ही होगा एवरी एस टी एम एल डॉक्यूमेंट टैग डॉक्यूमेंट बिगिन विद एस टी एम एल एंड एंड्स विद बैक स्लैश एस टी एम एल है ना एंगल ब्रैकेट लगाना नहीं बोलेंगे तो ये कंपलसरी लगेगा ही लगेगा उसका इसका सिंटैक्स होता है एस टी एम एल एंड क्लोज एस टी एम एल स्टार्टिंग एंड एंड ये ध्यान रखना एंड के लिए होता है ठीक है स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग हेड टैग क्या होता है हेड टैग में दिस एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन द हेडर ऑफ द एस टी एम एल फाइल इट हैज टू बी रिटिन विद इन एस टी एम एल मतलब इसके अंदर इसको लिखा जाता है इसके अंदर इसके अंदर हेड टैग को लिखा जाएगा अभी एग्जाम्पल देखते हैं सिंटेक्स क्या है एस टी एम एल टैग मैंने कहा था एस टी एम एल के अंदर ही इसको लिखा जाता है ओके देन हेड और डॉक्यूमेंट डेस्क्रिप्स एलिमेंट आर रिटन हियर तो क्या लिखना है अभी फिर समझेंगे टाइटल टाइटल कहाँ लिखेंगे टाइटल टैग गिव्स आर टाइटल टू योर डॉक्यूमेंट द नेक्स्ट रिट इन इट विल appear इन द टाइटल बार ऑफ द वेब पेज दिस इज कंटेंट इनसाइड द head टैग आप सबसे पहले जब ये क्या है हमारे ब्राउजर के जब टाइटल होगा वहाँ यूज किया जाता है इसको अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल सबसे पहले इसका ये और देख हैं सिंटेक्स क्या है इसका सिंटेक्स है हमारा एस टी एम एल दैन हेड देन एस टी एम एल एस टी एम एल इतना हम सिटेक्स को यूज करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है ओके okay, ध्यान से देखिएगा तो चलते हैं अपने नोट की तरफ़ नोट ओपन करता हूँ मैं नोट में मैं क्या करता हूँ थोड़ा फोन साइज बड़ा कर लेता हूँ समझ में आए ठीक है तो सबसे पहले मुझे लिखना है एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है एच टी एम एल थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ओके और मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एंगल टैग के अंदर बैक स्लैश के साथ एच टी एम एल ओके ये हमारा पेज पर होना ही होना है उसके बाद आएगा हेड है टैग हेड और हेड को भी क्लोज कर देंगे ओके okay. बैक स्लैश के साथ हेड ठीक है अब ये टाइटल लिखा जाता है इसके अंदर तो क्या लिखेंगे टी आई टी एल ई और मैं अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं सिर्फ इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं टी आई टी एल ई और मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल ए सेव और मैंने अपने डेस्कटॉप पे इसका पहली फोल्डर बना लिया आप भी फोल्डर बना लेना एस टी एम एल और देखो ध्यान से कि यहाँ पर मुझे डॉट एस टी एम एल के साथ पर नाम सेव करूँगा जैसे मैं नाम सेव करता हूँ इस ट्रक्चर डॉट एच टी एम एल ओके और मैं इसको सेव करता हूँ ठीक है अब इसका आउटपुट कैसे मिलेगा आउटपुट देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप पर जहाँ डेटा से जहाँ मेरा वो सेव है html टी एम एल का फोल्डर अब इसके अंदर देखिए ध्यान से देखिए कि ये कुछ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ व्यू लार्ज देखिए तो ये आपका कुछ ई मतलब ये डिफॉल्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर ये ब्राउज़र है मैं इसका एक्सटेंशन चेंज कर लेता हूँ और मैं ओपन विथ क्रोम में करता हूँ इसको ठीक है मैं क्रोम में ज़्यादा पसंद है मुझे इसलिए मैं क्रोम में ही करता हूँ अब ध्यान मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ चलिए तो ये क्या लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एस टी एम एल ओके अब मैं नोट में जाता हूँ और मैं टाइटल डालता हूँ टाइटल डालता हूँ एल लर्निंग एस टी एम एल और जब आप कोई भी इसमें एडिटिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे सेव प्रेस करेंगे ओके कंट्रोल एस कर देंगे सेव दबाएंगे या ओके और मैं आके देखता हूँ इसको और उसके बाद मेरा ये क्रोम खुला हुआ है इसको मैं रिलोड करता हूँ रिलोड करने के बाद देखिए ध्यान से कि यहाँ पर लर्निंग एस आपका आ चुका है ओके तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइटल को क्यों यूज किया जाता है चलो मैं दोबारा इसको चेंज कर देता हूँ मैं लर्निंग ओनली रहने देता हूँ और मैं वापस जाता हूँ और इसको फिर लोड करता हूँ मैंने इसको सेव नहीं किया मैं इसको सेव करता हूँ और वापस रिलोड करता हूँ ओके यहाँ आप ये क्या आ गया लर्निंग आ गया तो टाइटल के लिए समझ में आ गया होगा तो चलते हैं अब बॉडी टैग बॉडी टैग क्या होता है दिस इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एस टी एम एल डॉक्यूमेंट ये एस टी एम एल डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा पार्ट होता है वाट एवर इज़ रिटिन इन बिटवीन जब मतलब बॉडी के बीच में कुछ लिखा जाता है तो मतलब स्टार्टिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग विल एपेयर इन द ऑरिजिनल वेब पेज जो आप वेब पेज बना रहे हैं वो वहाँ पर दिखाई देगा एक बार इसका हम स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है एस टी एम एल हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं कि एस टी एम एल स्टार्ट एस टी एम एल क्लोज हैड स्टार्ट क्लोज एंड टाइटल स्टार्ट टाइटल क्लोज अब ये भी टाइटल क्लियर हो चुका है अब बॉडी हम बॉडी का यूज करेंगे तो ध्यान रखना हेड के नीचे बॉडी का यूज होता है तो बॉडी में अब स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग मैंने ये क्लोजिंग नहीं किया ओके क्लोजिंग बॉडी टैग तो अब इसको प्रैक्टिकली क्लियर कर लेते हैं ओके चलते हैं अपने नोट पैड की तरफ देखिए मैं एक सीधा सीधा आपको आइडिया बता दूं कि गलती से अगर ये आपसे बंद हो जाए तो आप इसको वापस कैसे ओपन करेंगे जहां आपकी फ़ाइल है वहां फाइल पर जाएंगे और नोट पैड ओपन कर लेंगे यहां पर कुछ नहीं करना आपको यहां पर ओपन विद नोट पैड में आपको करना है ओके ओपन हो गया अब ओपन होने के साथ साथ मैं इधर क्रोम भी ओपन कर लेता हूँ दोनों काम एक साथ आपको समझ में आएंगे मैं यहाँ पर हेड के नीचे बॉडी टैग स्टार्ट करता हूँ थोड़ा मैं लिखता हूँ बी ओ डी वाई देखो साथ के साथ टैग को क्लोज करते चलेंगे तो टेंशन कम रहेगी और एरर कम होगा देखिए एच टी एम की खासियत तो बात और है कि इसमें एरर एर नहीं मालूम पड़ता है इसलिए टैग के सा, साथ टैग साथ बंद करते जाइए और मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ दिस इज एस टी एम एल क्लास एज फोर क्लास टेंथ मैंने ये लिख लिया आपके सामने वेब पेज खाली है पहले मैं इसको सेव करूँगा सेव करने के बाद मैं इसको रिलोड करूँगा ओके okay? मैं रिलोड करता हूँ देखिए आपके सामने आ गया दिस इज एस टी एम एल क्लासेज फॉर क्लास टेंथ ओके तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं और उसके अंदर वेब पेज में हम क्या कर सकते हैं तो मतलब ये तो एक बेस था आगे जाके हम देखेंगे कि जो हमने ये बनाया है वेब पेज इसमें क्या क्या कर सकते हैं इसमें इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं कलरफुल कर सकते हैं इमेज सैड कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं ओके तो आज के लिए इतना ही इतना ही प्रैक्टिस कीजिए ओके अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल